let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. हेलो फ्रेंड्स, मेहरा व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं भाई अपने अल्टो केटर में लगवाने वाला हूँ म्यूजिक सिस्टम। और भाई मेरा बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था कि ये वाला सिस्टम मैं लगवाऊँ, और ये लगवाने के लिए भाई मैं आया हूँ सेक्टर 28 में होशियार रेडियोस पे, क्योंकि भाई मैंने सुना कि इनका जो काम है ना, जो इनका रिव्यू है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उसी के लिए मैं आज आया हूँ। और यहाँ पर खड़े हुई भाई अपनी गाड़ी फटाफट से, भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी गाड़ी के अंदर म्यूज़िक सिस्टम लगवाने के लिए। और कौन से मैं प्रोडक्ट लगवा रहा हूँ गाड़ी, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि फुल जो सेटअप होगा ना, वो JBL और पायनियर का मिक्सचर रहेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट रहने वाले हैं। हेलो भैया, कैसे हो, क्या हाल है? बढ़िया भैया। तो आप हमारी गाड़ी में सिस्टम लगवा रहे हो? अच्छा, ये मेरे को ये थोड़ा बता दो कि क्या क्या सामान है ये और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। ये JBL का बूफर है। अच्छा, JBL का बूफर। ये 1500 वाट का, ये आपको पड़ेगा डिस्काउंट करके 4000 का। ओके। और ये कंपोनेंट पायनियर का है, इसकी MRP है 7000, ये आपको लेस करके पड़ेगा 3500 का। ये 4-channel लैंप है केब का, ये पड़ेगा आपको 45 का। ओके। और ये वायरिंग है और कन्वर्टर है। अच्छा, ये कंपोनेंट्स दिखा देना जरा ओपन करके। ये पायनियर के कंपोनेंट ही एंट्री लेवल में बहुत अच्छा कंपोनेंट है, जिनका नॉर्मल बजट है उसके लिए। अच्छा, क्वालिटी तो इसकी काफी बढ़िया है। ये इनका ट्यूटर है, जो डोम ट्यूटर होता है, ये इसका क्रॉसओवर है। ये डोर में लगेगा ना? हाँ जी, नहीं डोर पे। और बाकी कितना टाइम लगेगा काम करने में? काम करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा पूरी इंस्टॉलेशन। और अपना इसका बजट कितना बैठा है टोटल? बजट सर ये 14-15 हज़ार के करीब जाके पहुंचा। अच्छा, मतलब अंडर 15,000 कह सकते हैं। चलो ठीक है, फिर करा दो जरा शुरू जल्दी से। तो भाई फटाफट से भी अपनी गाड़ी का जो है काम होने लग रहा है। मैं भाई देवांशु के साथ, कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड है? हाँ भाई, मेरे से तो इतना हो रहा है। मैं ना मतलब 2-3 दिन पहले से मैंने सोच रखा था कि अपनी गाड़ी में काम कराऊंगा, लेकिन भाई मेरे से ना सब्र नहीं हो रहा। मैंने सोचा भाई फटाफट से, मैं खाना भी नहीं खाया, मैं फटाफट आ गया हूँ। और अभी देखते हैं फटाफट से काम शुरू होता है, देखते हैं क्या प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगता है। और इसका जो साउंड आउटपुट होगा ना, वो तो आपको भी वीडियो में देखने को मिलेगा ही। तो भाई अपनी गाड़ी में जो है वायरिंग का काम शुरू हो गया। भाई क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, थोड़ा बढ़िया से तरीके से करना काम है, कोई दिक्कत ना आए। कितना टाइम लगता है वायरिंग होने में? हाँ जी, वायरिंग होने में टाइम कितना लगता है? सर आधा घंटा। आधा घंटा, चलो कर दो यार फटाफट से। बाकी भाई अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इसकी फिटिंग्स खुलेंगी, और जैसे भी इसका काम होगा मैं आपको भी दिखाता रहता हूँ। भाई मैंने आपको भी एक बात शायद मैं बतानी भूल गया कि इसमें जो हम वायरिंग लगवा रहे हैं ना, ब्लॉक पंक की वायरिंग लगवा रहे हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसका साउंड आउटपुट देख लेंगे कैसा रहेगा। तो भाई ये देखो यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स भी आ गए हैं। सबसे पहले शायद कंपोनेंट्स ही लगाए जा रहे हैं ना वायरिंग के साथ। चलो ठीक है, अभी भाई एक बार ये गत्ता खोलने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें ये वाले स्पीकर निकलेंगे। ये 6 बॉक्स निकल के लगता है क्या? हाँ जी। ये देखो भाई क्रॉसओवर को अच्छे तरीके से फॉर्म में पैक कर दिया है। भैया इसका रीजन क्या पैक करने का फॉर्म में? ये अंदर फटकेगा नहीं भैया। अच्छा जी। और मेरे ख्याल पन्नी से शायद वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। वाटरप्रूफ भी हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, वॉशिंग कराते हैं। हाँ चलो, ये भी भाई बढ़िया सिस्टम हो गया अपना। और वहीं पर साइड बाई साइड भाई वायरिंग का काम तो चल ही रहा है। तो भाई ये देखो ट्विटर के लिए होल इसमें करना शुरू कर दिया है। तो भाई अपना एक तरफ का जो है ना ड्राइवर साइड का डोर, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लग गया ट्विटर और कंपोनेंट्स भी लग गए हैं। चलो अभी दूसरी तरफ का इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये यहाँ पर लगाया जा रहा है फ्यूज, जो कि भाई सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट ना यही है, किसी भी काम को करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक में फ्यूज़ ज़रूर लगवाना चाहिए। फ्यूज़ भी लग चुका है, ये देखो ब्लॉपक कंपनी का जो है फ्यूज़ है। वायरिंग अभी हो जाएगी, एक कंपोनेंट लग गया, दूसरा कंपोनेंट लगने वाला है।
और जो मेन काम रह गया वो सिर्फ अभी भाई एम्पलीफायर का और वूफर का ही रह गया, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हार्डली मेरे को लग रहा है आधे घंटे में मैक्सिमम 45 मिनट्स में अपना गाड़ी का जो काम है डन हो जाएगा। तो भाई फाइनली जो अपना सब वूफर है ना वो इसकी बॉक्स से बाहर निकल चुका है, ये रखा हुआ, और जो इसका इनक्लोजर है वो ये रहा। ये ना सील्ड वाला इनक्लोजर है, इसमें कोई भी एयर पास के लिए होल नहीं है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसमें देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आएगी। मुझे भी नहीं पता, डिग्गी खुली है। भाई ये देखो यार, एक अपना जो है सपना, मतलब कि कह सकते हैं कि पूरा होने वाला है, हो ही चुका है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। जस्ट कुछ क्षण और उसके बाद हमें मिलेगा आनंद। तो भाई अब जो सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड नंबर का मेन काम हुआ स्टीरियो को निकाल कर इसके पीछे वायरिंग करना, और यही वाला काम अभी भाई शुरू हो रखा है। और भाई एक ना यार मैं इसमें ये वाला कन्वर्टर लगवा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा कंपनी का स्टीरियो है ना जो निपॉन का जो इसमें ऑटो मतलब कंपनी से फिटेड आया था उसमें से साउंड निकालने के लिए भाई एक कन्वर्टर लगाना था। ये JBL का लगवा रहा हूँ मैं ओरिजिनल, ये मेरे को 700 का पड़ा है। मेरे को लगा कि यार ये वाला ज़रूरी है तो यही लगवा रहे हैं। और ये लगाने के लिए और स्टीरियो खोलना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि जो अपनी वो होगी ना वायरिंग होगी इसमें लगेगी एम्पलीफायर वाली, उसके लिए भी स्टीरियो तो खोलना ही था, तो इसलिए दोनों काम इकट्ठे ही हो जाएंगे। Said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. तो भाई अगली एक अपडेट अपनी ये है कि यहाँ पर एम्पलीफायर में जो है वायरिंग का काम चल रहा है। इसके बाद ये ना बिल्कुल लास्ट वाला काम है, वायरिंग खत्म होते ही जो है ना अपना एम्पलीफायर लग जाएगा, और इसके बाद जो अपनी गाड़ी का पूरा सिस्टम है वो तैयार हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको भाई डायरेक्टली मिलूंगा साउंड चेक के टाइम पे, है ना भाई, मस्त आ रही है ना आवाज। तो फ्रेंड्स गाड़ी का काम हम करवाने के बाद अभी हम आ गए थे घर, और अभी भाई नेक्स्ट डे है, क्योंकि भाई उस दिन मेरे को काम करवाने के बाद जब मैं घर पहुंचा ना तो मैं किसी और काम पे निकल गया था, फिर वहां से वापस आते आते भाई रात हो गई थी, इस करके मैं कल वीडियो शूट नहीं कर पाया था। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे है ये। आज मैं आपको बताता हूँ कि वैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने भाई गाड़ी में क्या क्या काम करवाया है। एक तो भाई मैंने इसमें के लगवाए हैं कंपोनेंट्स पायनियर कंपनी के, जिसका ट्विटर आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपोनेंट का स्पीकर यहाँ लगा है, सेम दूसरी तरफ के लिए भी। पीछे आप भाई यहाँ देख सकते हो JBL का हमने सबवूफर रखवाया है, जो कि भाई 1500 वाट RMS का है, मतलब RMS नहीं 1500 वाट, और RMS शायद से इसकी 500 वाट है, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। और इसी के साथ और भाई हमने यहाँ पे लगवाया हुआ है एम्पलीफायर, जो कि भाई मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही था, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा V12 वाला एम्पलीफायर है ये, और अभी भाई मैं इसको आपको साउंड टेस्ट सुनाने वाला हूँ। और भाई साउंड टेस्ट के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर तो भाई मैं आपको इसके सिर्फ NCS वाले जो सॉन्ग्स आते हैं ना नॉन कॉपीराइट वाले वही वाले सुना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको भाई पंजाबी गाने सुनने या इंग्लिश सुनने या हिंदी सुनने हैं उनका जो भाई साउंड का टेस्ट है वो मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगा, नीचे इंस्टाग्राम का जो है वो यूज़र नेम आ रहा है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको इसका जो है पंजाबी सॉन्ग्स का जो है साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अभी भाई इसके साउंड आउटपुट को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका चालू करने लगा हूँ साउंड टेस्ट। It's only a matter.
तो भाई जैसा कि आपने साउंड टेस्ट देख लिया और भाई ये सारा मैंने काम करवाया मेरे को पड़ा भाई अंडर 15,000। मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका। भाई मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ, प्रॉपर जो इसका साउंड है ना वो इस वाले सॉन्ग्स में ना ब्लूटूथ से नहीं आ रहा है। उसको करने के लिए भाई आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। उसका साउंड टेस्ट मैंने अभी रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पे पंजाबी सॉन्ग्स का आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। और भाई आज की वीडियो को सिर्फ इतने रखते हैं, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन दबा के मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। I'm